हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप भी एक क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बावजूद आपका क्रेडिट कार्ड नहीं बन रहा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद गारंटेड आपका एक क्रेडिट कार्ड जरूर बनेगा। दोस्तों, अगर आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया और आपकी क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन डिक्लाइन हो रही है तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि हर तरह की लूट की अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच सके। एक तो आप स्टूडेंट हैं इसलिए आपका कार्ड अप्रूव नहीं हो रहा है, दूसरा आपका सिबिल स्कोर ख़राब है, तीसरा आपका सिबिल स्कोर अच्छा है लेकिन उसके बावजूद आपकी क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो रही है क्योंकि आपके सिबिल में हो सकता है काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन की इंक्वायरी हो, या फिर हो सकता है पास्ट में आपके सिबिल स्कोर में किसी तरह का नेगेटिव स्टेटस अपडेट किया हो, जैसे कि आपने कोई ईएमआई टाइम पे नहीं दी तो उसके लिए आप पर लेट फीस लगा हुआ है, या फिर आपने अपने किसी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट टाइम पे नहीं की। इसके अलावा अगर आप एक सैलरीड है लेकिन आपकी सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं है कि बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे सके, या फिर आपकी सैलरी भी अच्छी है लेकिन हो सकता है आपके पास सैलरी स्लिप नहीं हो, तो ये भी एक कारण है क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन होने का। आप बिजनेसमैन हैं लेकिन आप अपनी बिजनेस इनकम शो करने के लिए आईटीआर फिल नहीं करते, इस कारण से बिजनेसमैन के भी क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाती है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं, अगर इनमें से एक भी कारण आप पर फिट बैठता है तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। लेकिन घबराने की बात नहीं, आपके लिए आ गया है वन कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पास दो दो वन कार्ड है। ये वाला वन कार्ड मेटेलिक वन कार्ड है, ये मेरा अनसिक्योर्ड वन कार्ड है, यानी कि ये क्रेडिट कार्ड केवल हमें सिबिल स्कोर के बेसिस पे मिला था और इसके लिए हमें किसी तरह की कोई एफडी नहीं करनी पड़ी और इसकी लिमिट भी मुझे 1,60,000 रुपये मिली है। ये जो दूसरा वन कार्ड देख रहे हैं ये प्लास्टिक का वन कार्ड है, ये हमने एफडी के बेस पे बनवाया है, इसके लिए मैंने मात्र 2,000 की एफडी की है और उस एफडी के ऊपर मुझे 2,200 की लिमिट के साथ ये प्लास्टिक का वन कार्ड मिला है। ये एफडी 1 साल तक वैलिड रहेगी, इस एफडी पे मुझे 7% तक का इंटरेस्ट भी मिलेगा और 1 साल बाद मैं चाहूँ तो इस कार्ड को बंद कर सकता हूँ, इंटरेस्ट के साथ मेरी एफडी का अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में रिटर्न हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि मेटेलिक कार्ड होने के बावजूद मैंने ये प्लास्टिक कार्ड क्यों लिया। इस कार्ड में आपको काफ़ी अच्छे खासे बेनिफिट्स मिलते हैं, फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, सिटी बैंक हो या HDFC के कार्ड हो, इन सभी कार्ड्स में आपको तभी बेनिफिट्स मिलता है जब आप किसी सेल के दौरान इन कार्ड्स को यूज़ करते हैं। उस समय आपको 1,000-1,500 रुपये का फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे डिस्काउंट मिल जाता है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक, अमेजोन, ICICI या फिर और भी बहुत सारे कार्ड्स हैं, उन कार्ड्स में आपको किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन वन कार्ड में आपको रेगुलर बेसिस पे कई सारे ऑफर्स आते हैं जहाँ पे आप बिना कुछ खर्च किए ही उन ऑफर्स का फ़ायदा उठा के अच्छा खासा कैशबैक कमा सकते हैं। आप यहाँ स्क्रीन पे देखिए, मेरी वाइफ के वन कार्ड पे एक ऑफर आया है जहाँ पे 10,000 रुपये स्पेंड करने पे 5,000 पॉइंट्स मिलेंगे जिसके वैल्यू होते 500 रुपये, और यहाँ देखिए हमने 10,000 रुपये का स्पेंड भी कर दिया है और ये 500 रुपये का कैशबैक हमारे वन कार्ड अकाउंट में आ जाएगा। अब इस स्क्रीनशॉट में देखिए, 2,500 रुपये का स्पेंड करने पे 1,250 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे जिसकी वैल्यू होती है 120 रुपये। तो मैंने 2,500 रुपये का स्पेंड अपने वन कार्ड से कर लिया है और ये 120 रुपये मेरे कार्ड में क्रेडिट हो जाएंगे 8 मई तक। और इस तरह के कई सारे ऑफर्स आपको वन कार्ड में देखने को मिलते हैं। अब आप बोलेंगे 10,000 रुपये का स्पेंड किया तो मुझे 5% का कैशबैक मिला, कौन सी बड़ी बात है। तो दोस्तों, मैंने ये 10,000 का कहीं कुछ स्पेंड नहीं किया, मैंने इन पैसों को वॉलेट के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में ले लिया। अब मैं इन पैसों को बैंक अकाउंट में रखूंगा 30 से 50 दिनों तक, उस पर मुझे बैंक का इंटरेस्ट मिलेगा और ये 500 रुपये मुझे फ्री के मिल गए। उसी तरह ये 2,500 रुपये का स्पेंड मैंने अपने वॉलेट में किया, मुझे 120 रुपये का कैशबैक मिल गया और ये पैसा भी मेरे बैंक अकाउंट में आ गया। तो हुआ ना, बिना किसी तरह का कोई स्पेंड किए फ्री में 650 रुपये की कमाई हो गई। लेकिन इन सारे ऑफर्स का फायदा उठाने के लिए ऑब्वियसली आपको एक वन कार्ड बनवाना पड़ेगा। अब अगर आप कई बार ट्राई कर चुके हैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए लेकिन आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है, तो उस केस में दोस्तों आपको 2,000 रुपये की एक एफडी करनी है, आपको 2,200 रुपये की लिमिट मिल जाएगी और आप बड़े आराम से इन सभी तरह के ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वन कार्ड को अप्लाई करने की लिंक दी है, आप मेरी लिंक से जाके इस कार्ड को तुरंत अप्लाई कीजिए। आपको अपने बैंक अकाउंट से 2,000 रुपये का पेमेंट करना है और 48 आवर्स के भीतर में 2,200 की लिमिट के साथ आपका वन कार्ड जनरेट हो जाएगा और फिजिकल कार्ड कुछ ही दिनों में आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। जब तक फिजिकल कार्ड डिलीवर नहीं होता, आप अपने डिजिटल कार्ड से ही
कार्ड नंबर को कॉपी करके कहीं भी शॉपिंग या स्पेंड्स कर सकते हैं और इन सभी ऑफर्स का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अब जैसे ही आपका वन कार्ड बन जाता है, आप अपनी खुद की रेफरल लिंक जनरेट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी रेफरल लिंक से आपके दोस्त वन कार्ड को अप्लाई करेंगे तो आपको 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे जिसकी कीमत होगी 1,000 रुपये। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।